नमस्कार, पैसन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ी वैकेंसी क्लर्क की जो वैकेंसी है आईबीपीएस में, उस पर हम चर्चा करेंगे, जिसकी पोस्टें 1557 पोस्ट है और उसमें एनी डिग्री यानी कि कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि स्नातक की डिग्री होनी चाहिए उसके लिए। क्लर्क की पोस्ट के लिए स्नातक की डिग्री होना जरूरी है और वैकेंसी है 1557। अपने जो भी साथी है स्नातक हैं और क्लर्क बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो आप शेयर कर देना, क्योंकि वो तैयारी करता है, उसको पता चले कि वैकेंसी आ चुकी है। तो आईबीपीएस में क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है, 1557 पोस्ट है और उसके अंदर स्नातक या ग्रेजुएशन की डिग्री आवश्यक है। तो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 सितंबर से 23 सितंबर तक चलेगा। 2 सितंबर 2020 से 23 सितंबर 2020 तक इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, इसलिए अभी तक जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हो एक बार करवा लेना, क्योंकि क्लर्क की वैकेंसी आपको लगती है कठिन है, कठिन नहीं है, बिल्कुल ईजी है। इसको मैथ्स आती है थोड़ी बहुत तो वो कर सकता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लर्क की पोस्ट के लिए 2 सितंबर 2020 से 23 सितंबर 2020 तक चलेंगे और इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा की दिनांक भी आ चुकी है। ऑनलाइन जो परीक्षा होगी वो 5 दिसंबर 2020, 12 दिसंबर 2020 और 13 दिसंबर 2020 ऑनलाइन परीक्षा होगी, इसलिए तीन चरणों में होगी। 5 दिसंबर को होगी, 12 दिसंबर को और 13 दिसंबर को एग्जाम भी हो जाएगा। रिजल्ट जो डेट दिनांक है वो दे रखी है 31 दिसंबर 2012, यानी रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा इसका। 31 दिसंबर 2012 को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ऑनलाइन जो परीक्षा होगी फिर उसके बाद मेन होगी, तो मेन जो परीक्षा होगी वो 24 जनवरी 2021 को हो गई, यानी 31 दिसंबर 2020 को तो आपका रिजल्ट आ जाएगा परीक्षा, और मेन की जो ऑनलाइन परीक्षा होगी वो 24 जनवरी 2021 को मेन की परीक्षा भी हो जाएगी। और रिजल्ट दिनांक जो मेन का जो एग्जाम होगा उसकी दिनांक है 1/4/2021, यानी 1 अप्रैल 2021 को आपका मेन का रिजल्ट भी आ जाएगा। इसमें एज है वो एज है मिनिमम 20 साल 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 20 साल का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल का होना चाहिए। और इसमें ऊपरी आयु सीमा में भी छूट होती है, SC ST वाले को 5 साल की छूट दी जाती है। यदि ST वाला या SC वाला बंदा 28 साल का है तो भर ही सकता है। अगर 28 साल का है और 5 साल और जोड़ दो उसमें 33 जो ईयर का है वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष की छूट है, यानी 28 और प्लस 3 और कर लो तो 31 जो एज के हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो सिलेबस होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे, जिसकी इंग्लिश पर भी अच्छी पकड़ है वो इसमें बाकी आजमा सकता है, और बाकी आजमाना भी चाहिए क्योंकि इंग्लिश तो आजकल पॉपुलर है, यानी इंग्लिश बिना काम चलता ही नहीं है, आपको पता है। तो इंग्लिश के इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होंगे वो 35 क्वेश्चन होंगे, ये प्री का बता रहा हूँ मैं ना। तो प्री में इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे। तो मेरे दोस्तों रीजनिंग के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इसमें इतने हार्ड नहीं आते, तो रीजनिंग आप कर लोगे मुझे पता है। मैथमेटिक्स और इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करेंगे तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। IBPS की जो कलर की जो पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मैंने फाइट किया था, IBPS में पास हो चुका था, लेकिन बाद में मुझे वो सपना नहीं था मेरा बनने का, इसलिए मैंने इसमें ज्वाइन नहीं की। इसलिए इतना हार्ड नहीं है, इसमें मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ तो आप क्यों नहीं हो सकते, आप तो और होशियार हो है ना, तो ऐसे आप समझेंगे और मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का टाइम होगा, ये परीक्षा है। मेन के अंदर जनरल नॉलेज और आ जाता है, जो इंडिया वर्ल्ड साइंस ऐसे क्वेश्चन और आ जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये क्लर्क की वैकेंसी जिसके लिए फ़ायदेमंद है वो तो भर दें, और आपको लगता है कि वो क्लर्क के बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको अगर वैकेंसी का पता नहीं हो तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद।